Hello friend, welcome back to my channel Dashing Nomi Study Point, in which I discussed earlier about subjects accountancy. Now it's time for the subject economics, and the topic today we discuss is market. So let's begin. तो दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स में जानना चाहेंगे कि हमारा जो टॉपिक मार्केट है, मार्केट क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये सारी चीज हम भाई एक वीडियो दूसरे वीडियो से हम आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे. तो आज हम डिस्कस करते हैं मार्केट. तो मार्केट क्या होता है, मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है. मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टू एन एग्रीमेंट ऑफ एक्सचेंजिंग goods and services and business transaction vice versa. तो एज अ डेफिनेशन मैंने बताया कि मार्केट एक कॉमन प्लेस होती है वेयर बायर और सेलर क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, जहाँ पे गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन होता है, एक एग्रीमेंट होता है. सेलर क्या करता है, गुड सेल करता है, परचेजर करता है, गुड परचेज करता है, इन टर्म्स ऑफ मनी पे करता है और क्रिएट करता है. ये जो सारी चीज़ होती है वो कहाँ पर होती है, मार्केट में. मार्केट एक हमारा कॉमन प्लेस है वेयर बायर और सेलर क्या करते हैं, कम्स टुगेदर. अब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, मार्केट में अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट को क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं. तो लेट्स सी. तो फर्स्ट हमारा है नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. तो मार्केट को जो अफेक्ट करता है क्या है, नंबर ऑफ बायर और सेलर. जितने बायर और सेलर होंगे वो क्या करते हैं, अलग मार्केट क्या करते हैं, डिप्रिशिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर सेलर है तो परफेक्ट मार्केट हो जाती है, या अगर एक सेलर होता है और कुछ बायर होते हैं तो क्या होता है, मोनोपोली हो जाती है. तो ऐसे क्या करते हैं, अलग मार्केट डिप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है. तो वो किस फैक्टर से होती है, नंबर ऑफ बायर और सेलर से. हमारा सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट डिजाइन करता है कि किस उस हिसाब से मार्केट सेगमेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट हमारा प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस है या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है या सब्स्टिट्यूट वाला प्रोडक्ट है या नहीं प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट किस टाइप का है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट है या ड्यूरेबल प्रोडक्ट है या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है. तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केट को. थर्ड है हमारा नॉलेज अबाउट मार्केट. मार्केट कंडीशन जानना बहुत जरूरी होता है सेलर और बायर को, दोनों को, क्योंकि मार्केट कंडीशन हमारा क्या है, टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर क्या है, उस पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो अलग अलग मार्केट को अलग अलग सेगमेंट को डिवाइड करता है. तो जो नॉलेज अबाउट मार्केट होगी, हमको कंडीशन मालूम है, प्राइस मालूम है, या उसकी सप्लाई मालूम है, उसकी डिमांड मालूम है, तो वो मार्केट को फैक्टर्स क्या करता है, इफेक्ट करता है. अब हमारा आखिरी पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. अब फर्म मार्केट में कितना कैप्चर किया हुआ है या कम कैप्चर किया हुआ है, या कोई फर्म के एंट्री है या कोई फर्म ही मतलब खाली उस मार्केट में कैप्चर की है. ये फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, मतलब कोई फॉर्म अपना पहले से डुप्ले बनाया हुआ है या कोई नई मार्केट फॉर्म में मार्केट में एंटर कर सकती है नहीं कर सकती है, वो सारे क्या करते हैं, मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ये हमारा फैक्टर था जो मार्केट को इफेक्ट करता था. अब हम फॉर्म ऑफ मार्केट की ओर बढ़ते हैं. फॉर्म ऑफ मार्केट हमारे क्या होता है, परफेक्ट मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है और ओलिगोपोली मार्केट होता है. तो हम एक बाई एक हम मार्केट को कवर करते जाएंगे. तो आज हम फर्स्ट कवर कर देते हैं परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली मार्केट की डेफिनेशन को हम कवर करते हैं. तो हमारा परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट वो होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या आता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है. ये बात ध्यान देने की जरूरत है, होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो आपका डेफिनेट साइज और डेफिनेट वेट का प्रोडक्ट हो, वो क्या होता है, बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे देखते हो कि बहुत ढेर सारे बायर रहते हैं, वहाँ बहुत ढेर सारे सेलर रहते हैं. एक प्याज बेच रहा है तो दूसरा वाला प्याज बेच रहा है, एक धनिया बेच रहा है तो दूसरा धनिया बेच रहा है. तो वहाँ पे लाल नंबर ऑफ बायर और लाल नंबर ऑफ सेलर होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, वहाँ प्रोडक्ट क्या है आपका, होमोजीनियस है, मतलब आइडेंटिकल है, सेम साइज क्वालिटी, उसकी वेट क्या है, सेम है. तो ये हमारा होता है परफेक्ट मार्केट. तो लेट्स सी इट्स फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट, की फीचर क्या होते हैं. तो परफेक्ट ऑफ मार्केट का फीचर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर. एज डिस्कस्ड अर्लियर आई सेड दैट परफेक्ट मार्केट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मतलब ढेर सारे बायर होंगे और ढेर सारे सेलर होंगे.
उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट मैंने बताया कि वो प्रोडक्ट जिसका सेम साइज वेट मतलब क्वालिटी वालिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब सेम हो। जैसे मैंने सब्जी मंडी के एग्जाम्पल दिया कि वो प्याज बेचा है, दूसरा प्याज बेचा है, दूसरा धनिया पत्ती बेच रहा है, दूसरा धनिया पत्ती बेच रहा है, वो सब सेम क्या है, सेम से साइज और वेट में है, प्राइस उसका सेम है, ये क्या हमारा हुआ परफेक्ट मार्केट हुआ। उसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज आप क्या है कि परफेक्ट कंज्यूमर को और सेल को पता है कि मार्केट कंडीशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, उसके प्राइस क्या है, वो सब सारे फैक्टर्स क्या है, वो ऑलरेडी सी इस मार्केट में पता रहती है। तो ये किस में पता रहती है, परफेक्ट मार्केट पता रहती है। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। अब फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब ये है कि अब नई फर्म उसमें एंटर कर सकती है उस मार्केट में, और पुरानी फर्म जो है वो छोड़ के जा सकती है। कोई कंडीशन नहीं है कि आप बिजनेस कैरी करते जा रहे हैं या कोई नई एंट्री नहीं कर सकता, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। अब उसमें क्या होता है फ्री एंट्री आने से मतलब कोई फर्म एंटर कर सकती है मार्केट में, अपना मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर सकती है, और ओल्ड मार्केट डिसाइड करके अपनी न्यू मार्केट नहीं जा सकती है। ये होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अब आता है नो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि इसमें मैंने बताया कि प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जिसमें जो सेलर होता है उसको कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन या एडवर्टाइजमेंट या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब क्या बताते हैं यहाँ पर सब सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मतलब सारा प्रोडक्ट क्या है सेम से साइज वेट है, तो कंपटीशन नहीं है, सारा सब लोग बेचेगा, सब लोग मुनाफा कमाएगा। इसमें क्या होता है कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें इंकर नहीं करनी पड़ती है। एक पॉइंट इसमें और आता है प्राइस टेकर। अब परफेक्ट कंडीशन के हिसाब से इसमें जो प्राइस टेकर होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सेलर होता है वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं करता है, इसमें प्राइस टेकर प्राइस एक्सक्यूज करती है डिमांड और सप्लाई के, मतलब वो ऑलरेडी प्राइस ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है, इसमें सेलर कुछ काम नहीं होता है कि वो प्राइस फिक्स करता है। तो ये क्या होता है इसमें सेलर प्राइस टेकर होता है, मतलब जो प्राइस जो बन जाती है तो उसी पर क्या करता है उसको सेल करना पड़ता है। तो ये परफेक्ट कंडीशन का एक फीचर है कि वो प्राइस टेकर होता है। अब हम बढ़ते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मोनोपोली जो वर्ड होता है, वर्ड मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोपोली इज द मार्केट वेयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, रेलवे होता है, ये सब कौन रन करता है, सिर्फ गवर्नमेंट रन करता है। गवर्नमेंट रन करता है, तो गवर्नमेंट इसमें क्या है मोनोपोली है, यानी मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो भी कुछ होगा वो क्या अंडरटेक करेगा, गवर्नमेंट करेगा, कोई अदर बॉडी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। रेलवे डिपार्टमेंट है उसको अंडरटेक कौन किया है, गवर्नमेंट किया है, तो क्या है ये तुम्हारा मोनोपोली है, मतलब कोई और अदर बॉडी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये हमारा मोनोपोली हुआ, मतलब एक सिंगल सेलर हुआ और लार्ज नंबर ऑफ बायर हुए। उसके फीचर देखते हैं, तो वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर मैंने पहले बता दिया कि एक सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, यह किसमें आता है, ये हमारा मोनोपोली में आता है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फॉर्म। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्म जाहिर सी बात है, अगर मोनोपोली है सिंगल सेलर है तो वो अदर फॉर्म आने की कोशिश नहीं करेगा ना करने देगा, मतलब हम इस मार्केट में है तो हम ही बस एक सिंगल किंग है, हम ही सब कुछ बेचेंगे और हम ही सब मुनाफा कमाएंगे, हम ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये क्या होगा मोनोपोली में होता है। थर्ड है हमारा ग्रो ग्रो सब्सिट्यूट। अब सब्सिट्यूट पर देखते हैं सब्सिट्यूट क्या होता है। देखिए सब्सिट्यूट क्या होता है, विच रिप्लेसेस वन प्रोडक्ट टू अदर प्रोडक्ट। तो सब्सिट्यूट वो होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे प्रोडक्ट के बदले में क्या करते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टी का प्राइस बढ़ गया मार्केट में तो हम कितने स्विच कर देंगे, कॉफी में स्विच कर देंगे, क्योंकि कॉफी का प्राइस लेस है कंपेरिजन टू टी। जो कॉफी का प्राइस क्या है लेस है कंपेरिजन टू टी, तो अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हम कितने स्विच कर देंगे, कॉफी स्विच कर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हुआ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पे क्या होता है नो ग्रो सब्सिट्यूट, मतलब इस मार्केट में अगर सिंगल सेलर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट हम उसी पे हमको इम्पेसिस करना पड़ेगा, हमारे पास कोई प्लस सब्सिट्यूट नहीं होता कि हम दूसरे प्रोडक्ट जाते हैं, अगर वो प्राइस हाई करता है हमारे और या प्राइस लो करता है तो उसको हमको इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्सिट्यूट नहीं जाते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको वही यूज़ करना है। ये यहाँ पर होता है नो ग्रो सब्सिट्यूट, मतलब कोई हमें अदर ऑप्शन नहीं है, हमको बस वही प्रोडक्ट लेना है, दैट इज इन द केस ऑफ मोनोपोली। अब एक वर्ड आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ये सिर्फ मोनोपोली का आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्राइस डिस्क्रिप्शन मतलब ये है, यहाँ पे जब मोनोपोली में सिंगल सेलर है, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, तो सिंगल सेलर को ये एडवांटेज रहता है कि वो अलग अलग प्राइस फिक्स करके चार्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिच कंज्यूमर देखता है उससे क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करेगा, और लो कंज्यूमर है उससे कम प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो उसके पास एक क्या कहते हैं एडवांटेज होता है, उसके पास एक वे होता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ मतलब अधिक जो 20% है उससे क्या करता है ज़्यादा प्रॉफिट खींच सकता है, और जो लोअर परसेंट उसको कम दाम में बेच सकता है। क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो उसके ऊपर विश है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है। यहाँ पे भी होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ये होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इन द केस मोनोपोली में जो मोनोपोली होता है वो सिंगल सेलर होता है, उसके पास एडवांटेज रहता है कि वो अलग अलग कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सके। तो ये से होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा मोनोपोली का फीचर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोनोपोलिस्टिक इम्परफेक्ट कमीशन और ओलिगोपोली मार्केट और उसके डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा डिस्कस करेंगे। So friends, if you like the video, please like and subscribe my channel and click the bell icon to get latest updates of my channel. Thank you.